अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत आसानी से बनने वाली है और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हम दो अंडे लेंगे और उनको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद हम उसको अच्छी तरह बीट करेंगे। देखिए, दो अंडे मैंने तोड़ लिए हैं, अपने अलग से तोड़ने हैं अंडे। फिर उसके अंदर आपने दो चम्मच चीनी को ऐड करना है। चीनी आप अपनी जायके के हिसाब से भी डाल सकती हैं। फिर हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। बीटर से भी आप बीट कर सकती हैं, ऐसे भी कर सकती हैं, जैसे आपको आसानी हो। ये हमारे पास आ गया, अब अंडा बीट किया हुआ। अब उसके बाद हम अंडे को प्लेट में डिश आउट करेंगे। फिर इसमें हम ब्रेड को डालेंगे, उसको अच्छी तरह लगा के एक तरफ फिर दूसरी तरफ लगाएंगे। फिर इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। आए, हम फ्राई भी करते हैं। पैन लेंगे, एक आग जलाएंगे और हम लोग इसके अंदर देसी घी ऐड करेंगे। घी को अच्छी तरह लगा लेंगे। इसमें फ्राई करेंगे। देसी घी लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऑयल भी लगा सकती हैं, घी भी लगा सकती हैं। मेरे पास में देसी घी था, मैंने वो लगा लिया। दूसरी तरफ से हम पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा हो गया एक तरफ से। लो फ्लेम पर रख के पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। आपने जिस तरह मैं बता रही हूँ इसी स्टेप को फॉलो करना है। दूसरी तरफ देखते हैं अब। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा हो गया है। एक तरफ से तो तैयार हो गया हमारा, क्रिस्प ब्राउन हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा हो गया। अब लाइट क्रिस्पी ब्राउन भी कर सकते हैं, आप थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, ये आप पे है, जैसे आपको ज़्यादा पसंद है। देखें माशाल्लाह, हमारा दोनों तरफ से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। आप नाश्ते में चाय के साथ, आप जिस टाइम भी आपका दिल चाहे तो आप ले सकती हैं। बहुत लाइट खाने में भी और बहुत मज़ेदार है, आप बच्चों को भी बना के दे सकती हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।